हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीके एंड जीएस का पार्ट 10th वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए रिविजन पर्पज के लिए इस वीडियो को देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। सो लेट स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। तो मेनली इस मूवमेंट को एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, बट समवेयर इन सम बुक्स इट इज़ ऑल्सो रिटन दैट एनी बेसेंट अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक शी स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। बट इफ बोथ दीज ऑप्शंस कम इन द एग्जाम देन यू हैव टू सेलेक्ट एनी बेसेंट। सो अगर हम बात करें जो ये होम रूल मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 28th of April 1916 को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेट जॉइंट्स जॉइंट्स हियर इट शुड बी एस जॉइंट्स आर्टिक एंड पैसिफिक ओशन। सो द राइट आंसर विल बी बैरिंग स्ट्रेट। तो बैरिंग स्ट्रेट आर्टिक ओशन जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशन है, और पैसिफिक ओशन विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों को जॉइन करती है, दैट इज बैरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन डू वी ऑब्जर्व नेशनल फार्मर्स डे? राइट आंसर हो जाएगा 23rd of December को हम नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ईच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी निबल्स मेक अ बिट? सो इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। राइट आंसर हो जाएगा 4। तो 4 बिट्स फोर निबल्स मिलकर एक बिट बनाते हैं। एंड योर होमवर्क क्वेश्चन इज एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? सो अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय द वे, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आर्चरी। तो दीपिका कुमारी शी इज एसोसिएटेड विथ आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरित? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के अंडर जो 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड करेंटली दे आर 12। एंड ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट्स। सो हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फॉरट्रैन। तो फॉरट्रैन वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपने याद रखना है। और फॉरट्रैन इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सो अगर हम बात करिए कौन से ईयर में आई थी, सो इट अपीयर्ड इन द ईयर 1957। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो एंड इट वॉज डिजाइंड बाय जॉन पैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया? राइट आंसर विल बी फाहियान। सो फाहियान ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष सूक्त इज अ पार्ट ऑफ विच वेद? राइट आंसर विल बी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का पार्ट है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? राइट आंसर हो जाएगा स्किन। सो स्किन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ आर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू हूम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए डेप्यूटी स्पीकर। तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो अपना रेजिग्नेशन मेनली डेप्यूटी स्पीकर उनको प्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें करंट में लोकसभा स्पीकर की, तो करंट में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल?
राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल, लावा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक सॉइल एंड लावा सॉइल एंड कॉटन सॉइल ऑल्सो, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन ग्रो करने के लिए सुटेबल मानी जाती है। द बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन दैट इज ब्लैक सॉइल, सो देयर फोर इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज कॉटन सॉइल। और ये लावा के कुछ पार्टिकल से मिलकर बनती है, लावा के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनती है, देयर फोर इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लावा सॉइल। और ये मेनली हमारी जो कंट्री है उसके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला रीजन है, गुजरात वाला पार्ट है, वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्म डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये कर्मा डांस मेनली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए मैकडोनाल्ड। सो रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था अगस्त 1932 में, ये आपने याद रखना है। और इसे मेनली जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, उसके बाद अनाउंस किया गया था। और इसका मेन पर्पस था टू इंश्योर द रिटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, हिंदूज एंड यूरोपियंस हु वर लिविंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इंडिवर्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आर्टिकल 50। सो आर्टिकल 50 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारा जो पार्लियामेंट है उसके तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो मीडिया है उसको फोर्थ पिलर ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नाभा काल बारा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ओडिशा। तो ओडिशा से ये फेमस जो नाभा काल बेरा फेस्टिवल है, नाभा काल काले बारा फेस्टिवल, ये बिलोंग करता है टू ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कैल्सीफेरॉल। सो कैल्सीफेरॉल, इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज विच वॉज फाउंडेड इन 1828? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राजा राम मोहन रॉय। सो राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, इन्होंने इसकी फॉर्मेशन 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज स्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर्स। तो बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री का फर्स्ट नेशनल पार्क दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था। अर्लियर इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, ये भी आपने याद रखना है। और इसका स्टैब्लिशमेंट 1936 में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मुस्लिम होली बुक कुरान? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अल फतीहा। सो अल फतीहा, इट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मुस्लिम होली बुक दैट इज कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। सो आर प्लैनेट अर्थ इज रिगार्डेड एज द ब्लू प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर इज कॉज्ड इन द बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो जब बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब ये गॉइटर डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदेही पिपटी आर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा को बिलोंग करता है ये कुंदेही पिपटी आर्ट, ये आपने याद रखना है, टू विच स्टेट हियर इट शुड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी इज अ बायोग्राफी ऑन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जी के ऊपर ये बुक है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी, और इस बुक की ऑथर हैं रानी सिंह। सो रानी सिंह विल बी द राइट आंसर, रानी सिंह, शी इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इंडिया थ्रू द केप ऑफ गुड होप? राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। इन द ईयर 1498 ही डिस्कवर्ड दिस इंडिया, ही डिस्कवर्ड आर कंट्री इंडिया थ्रू दिस केप ऑफ गुड होप एंड ही लैंडेड एट कैलीकट विच इज लोकेटेड इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक जीविका चिंतामणि? राइट आंसर हो जाएगा तिरुत्कर देव। सो तिरुत्कर देव, ही इज द ऑथर ऑफ द बुक जीविका चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डब्ल्यू सी बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 21 जून। तो 21 जून ये लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, ये आपने याद रखना है। और शॉर्टेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कभी आपसे पूछा जाए, ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट इज 22nd ऑफ दिसंबर। इट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लॉन्गेस्ट वन इज 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसे याद रख सकते हैं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है, विच इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ आर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग? राइट आंसर हो जाएगा HTML। तो HTML को यूज़ करके वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ईवी रामा स्वामी नाइकर। तो ईवी रामा स्वामी नाइकर, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था इंडिया में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और कभी आपसे पूछा जाए कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो मेनली ये सदर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1925। तो 1925 में से स्टार्ट किया था बाय ईवी रामास्वामी नायकर इन तमिलनाडु, एंड मेनली सदर्न इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो FAO। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रोम। तो रोम में 1945 में FAO का फॉर्मेशन हुआ था, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं रोम में, विच इज़ इन इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए माइकोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड? राइट आंसर हो जाएगा आयरन। तो आयरन विच इज़ अ मेटल, इट इज़ वन ऑफ द मेन एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आर ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय हुम? राइट आंसर हो जाएगा मुगल एम्परर औरंगजेब। इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद, विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियॉल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4, एंड इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियॉल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिलियन म्यूटिनीज नाउ? राइट आंसर हो जाएगा VS Naipaul। तो VS Naipaul, ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक मिलियन म्यूटिनीज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ काउ डंग गैस इज? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन हैविंग द केमिकल फॉर्मूला CH4, इट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द काउ डंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर मूव द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां, इन्होंने जो मुगल कैपिटल थी उसे आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। सो आर कंट्री इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल आर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए माल्टोज। सो माल्टोज, इट इज़ द मेन फाइनल प्रोडक्ट विच वी गेट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल, दैट मीन्स इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्च इन आर माउथ इज डाइजेस्टेड बाय विच एंजाइम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सलाइवरी अमाइलेज, हमारे माउथ में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड? राइट आंसर हो जाएगा
हिस्टोलॉजी, सो द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड इज नोन एज हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1526. यहाँ फर्स्ट बैटल की बात की जा रही है, बिटवीन बाबर एंड होम. राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो लड़ा गया था. द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1556 एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1761. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव. सो बी एन राव ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने याद रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल बाई ह्यूमन बींग्स इज. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आयरन. सो आयरन इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल बाई ह्यूमन बींग्स एंड द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज बाई ह्यूमन बींग्स वॉज कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द थ्री टीयर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी. दिस सजेस्टेड द थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. सो हेयर गोज द क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज हु वॉज निकनेम्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो आपको इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताना है. एंड हेयर आर द ऑप्शंस. एंड जो क्वेश्चन मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में पूछा था कि कितने बिट्स होते हैं एक बाइट में, तो राइट आंसर हो जाएगा एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं. 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. सो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का. दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, बट इन द प्रीवियस वीडियोज प्रीवियस पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू नो द आंसर. Please drop out your answer in the comment section. Thank you so much for watching this video, and I wish all the best for your exams.